फरीदाबाद में पिछले कुछ दिनों से क्राइम के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो वहीं आज फिर फरीदाबाद के सेक्टर 22 में दोपहर के वक्त मिनी स्वीट रेस्टोरेंट पर दो बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने गोली चला दी। गोली चलाने के बाद दोनों बाइक सवार मौके से फरार हो गए। हालांकि गनीमत ये रही कि गोली होटल में मौजूद किसी भी कर्मी को नहीं लगी। गोली चलने की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी तो पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बाइक में करीब दो घंटे पहले दो लड़के अननोन आए हैं और बाइक पर आकर या सामने आकर गोली चला कर और उसका केस रजिस्टर कर दिया। कोई इसमें साजिश थी, रंजिश थी, क्या निकल के आ रहा है, बातचीत हुई है अभी आपके जो होटल मालिक हैं? नहीं, ये हर पहलू से देखा जाएगा, कोई हो सकता है कोई रंजिश हो, कोई साजिश हो, हर पहलू से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी इसको एंगल से देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। कोई इनकी कोई रंजिश हो या कोई इनकी आपसी हो, कोई और मैटर हो, दोनों तरीके से। तो वहीं होटल के मालिक ने अभी कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब से लोगों को उनके होटल पर गोली चलने की जानकारी मिली है तब से उनके पास सभी मिलने वालों के फोन आ रहे हैं, ऐसे में उनका कुछ भी कह पाना अभी मुमकिन नहीं है। इस होटल पर जो है फायरिंग की जाती है, हालांकि वो जो गोली है वो किसी को नहीं लगी, ये एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन अभी जो पुलिस यहां पर पहुंची है वो पूरी तरह से जो है सभी चीज़ों को पहलुओं पर जांच कर रही है, तहकीकात कर रही है कि आखिर कौन वो बदमाश थे जो यहां पर पहुंचे थे और क्या उनका मकसद था गोली चलाने का। अभी साफ तौर पर जो होटल के मालिक हैं वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं, उनका कहना है कि अभी कुछ भी इसमें कहा नहीं जा सकता या उनको कुछ ऐसा पता नहीं है कि आखिर कौन वो लोग थे जो यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने जो है फायरिंग की है। हालांकि जो गोली है वो यहाँ पर बताई जा रही है कि यहाँ पर लगी है और उनका निशाना जो है वो चूक गया था, जिसकी वजह से वो उसको निशाना नहीं बना पाए होटल के मालिक को। तो ये सारी चीज़ें अभी तक साफ नहीं हो पा रही है कि आखिर वो कौन लोग थे जो यहाँ पर दिन दहाड़े गोली चलाने पहुँचे थे और उनकी क्या मकसद था, क्या रंजिश थी, इन सभी पहलुओं पर पुलिस काम कर रही है। कैमरा पंकज के साथ संदीप गोयल, पायनियर। Thank you for watching our video. Please like our video and subscribe to our channel and hit the bell icon.